सारिका, सारिका दरवाजा खोलो, सारिका दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो। सारिका मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। तेरी चलाकियाँ तो बहुत दिनों तक मेरा कंधा भी नहीं पकड़ पाया। पसी थे ना तू आज? तो मुझे तेरे पर पहले से करना चाहिए। मेरे चाचा का नमस्कार। और बताइए। और मनु वाला दिखाएं तो कहीं मनु वाला कर देते हैं, कॉमेडी करते हैं या आपकी मनु जैसे आप बोले एज यू विश। कॉमेडी कॉमेडी करें करें। चलिए सर करें कॉमेडी। कॉमेडी कॉमेडी करके दिखाएं। अभी करते हैं मनु। अरे कहाँ मर गए पागल? मनु मनु कहाँ है ये? फटा कैलेंडर घर के अंदर। क्या है माजी? कुछ नहीं भाजिया, हमने किचन कर रहा था। आओ ये फ्रेम है फाइनल। वही है, वही है सेफ। ठीक है। अरे भैया शॉप भी करोगे क्या? और बताइए अब आपकी वाली गलत सिचुएशन बोल रही है। क्या क्या कहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। कोशिश करो, कोशिश करो। ओनली फॉर कैमरा। यदि मैं कैमरे में कर रहा हूँ, बेसिकली मैं अभी ये जो परफॉर्म कर रहा था कि मैं थिएटर के फॉर्म में नहीं कर रहा, ये मीडिया फॉर्म की कर रहा हूँ। यदि थिएटर फॉर्म में करूँगा तब मैं ऑडियंस को देखूंगा। अभी जो लुक्स जो शिफ्ट करता हूँ, हाँ तो मैं उसर भी लूंगा। यदि मुझे पता है कि मैं लॉन्ग शॉट में खेल रहे हैं तो तभी मैंने पूछा फ्रेम कितना रहेगा। लॉन्ग शॉट का मतलब है मेरे पास स्पेस है, मैं खेलूंगा। और यदि टाइट में खेल रहे हैं तो फिर मैं बॉडी मूवमेंट कम करूंगा। हाँ तो इसलिए मुझे बॉडी मूवमेंट का पता, मेरे को बेनिफिट हो गया ना, बॉडी मूवमेंट भी कर लिया, इधर से उधर खेल भी गया, तो मुझे पता है कि कैमरे का फ्रेमिंग कितना है मेरे पास। टाइट में होगा तो फिर चेंज हो जाएगा ना सिचुएशन, तब तो मुझे फ्रेम के अंदर ही खेलना है, जो कुछ खेलना है इतने में खेलना है। दैट्स इट। तब तब फेस ही चाहिए मुझे, ये चाहिए टोटली, दैट्स इट। तब बॉडी नहीं चाहिए मेरा, तब आंखें बॉडी चाहिए, चेहरा बस। चलिए क्यों रहा कुछ कहे रेस्पॉन्ड करिए। इमेज है आपके सामने, साउंड है, अब समझ गए। कंटेंट नहीं है, थीम समझ गए। अब मैं समझ गया, अब समझ गए सिचुएशन। बैठने का मुझे सिचुएशन बता दीजिए, कहाँ बैठना है। लुक्स लुक्स मुझे बता दीजिए कहाँ रखना है और बैठना कहाँ है। हाँ वो डायरेक्ट ठीक है। हमने आपका फर्स्ट एक्ट जो था नहीं, अब जो आदमी के लिए दे रहे थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। हाँ मुझे आपका वो जो सी बी के साथ फोटो भेजे थे ना। हाँ,
Yada bia, ala bia. Tamasti, ala pil. Yana bia. Na balasti. Sunil ji so, khalistu. और एक ऐसी ही रात है, मैं उसके साथ जा रहा था। हम दोनों गाड़ी में एक दूसरे के साथ बातें करते चले। वो मेरे साथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दिनों बाद मिली। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। और फिर हम लोग वहां पहुंचे, जिसका मुझे एक ऐसी जगह जहाँ जाने के लिए हम बहुत दिनों से इंतजार में थे, लेकिन वो जगह ये नहीं थी, कुछ और। क्योंकि मुझे उस चित्र का रहस्य पता करना था। आखिर ये तस्वीर मुझे रात दिन तंग करती रहती, मुझे पता करना था आखिर रहस्य है क्या। और ये जानने के लिए मैं उस जगह पर पहुंच गया, पर मुझे सिर्फ अंधेरा कमरा नजर आया। तुम क्या चाहते हो? मेरे इससे पता करने से पहले तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हें पता था इस चित्र के बारे में? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। आज से 25 साल पुरानी बात, ये उसी का चित्र था। इसे देखकर मैं घबरा गया था। क्या तुम यही लड़की? ये वो नहीं, उसकी माँ की तस्वीर थी। यही बात मुझे हैरानी हो रही थी। हु बहु शक नहीं हो सकता। तभी तो एक अजीब सी आवाज, वही आवाज, वही चेहरा, ये इस बात की पुष्टि कर रहा था कि ये उसी की बेटी है। इसका मतलब जिस रहस्य की खोज में पिछले 25 सालों से लगा था। दो तीन वर्ड्स मुझे लास्ट को एंड में देखकर ना अजीब बोला। अच्छा, तो वो मुझे लग रहा है वो इसकी शॉट देख के आता है, अजीब है। हाँ, बेसिकली मैं ये करूँगा, जो तस्वीर देखा है ना वो उसकी लड़की की माँ की है। मैंने ये भी बता दिया कि बेसिकली ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी उसकी माँ की थी। और मुझे लग रहा था ये दोनों सिमिलरिटी बन गई। मैंने उससे कॉलरेट कर दिया ना कि मुझे लग रहा था कि ये तस्वीर तुम्हारी है, पर एक्चुअल में ये तस्वीर तुम्हारी माँ की है, जो कि पिछले 25 सालों से जिसकी मैं खोज में लगा हुआ था, तुम उसी की बेटी हो। तो ये सीक्वेंस लीजिए और वो जो आदमी बोल रहे हैं उसको इंट्रोडक्शन में ये चीज बदन सोचिए जी, कुछ लॉस्ट है और अजीब है, और बीच में एक वर्ड उसमें से नॉर्थ करके, उसका मतलब नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ किधर जा रहे हैं? ठीक है, कार में जा रहे हैं। कार में जब जा रहे थे, राइट, ठीक है। और एक ये है कि जो वो बोल रहा है जी, तो आप मत रुकिए। ओके, वो रुके, तो उसको रिस्पॉन्ड दीजिए। ठीक है, सेम करना है? अच्छा ठीक, राइट। Scotch pot, Axel, Twasti, Colasti. नहीं नहीं, मैं तो अपनी मर्जी कुछ भी वर्ड यूज, एक मिनट रोक ना, नहीं हिंदी नहीं। अच्छा, उसको कॉपी ना करके कुछ भी अपनी मर्जी से बोले, हिंदी में वर्ड। राइट, मैं करता हूँ। चलिए अब सही होगा, करिए।
आज से 25 साल पुरानी बात है, घरी बिल्डिंगों के बीच में एक अंधकार सा छाया हुआ था। ये बड़ी ही भयानक रात थी, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन चलती जा रही थी और आसमान में घना अंधेरा था और मैं उसके साथ। हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, चिंता मत करो, वहां एक अजीब सा माहौल और एक अच्छी चीज देखने को मिली। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था ना, इसीलिए चलो। हम लोग वहां पहुंच गए बस थोड़ी ही देर में, पर मैं बड़ी कश्मकश में था। मुझे इस फोटो का रहस्य पता करना था। मैं उससे मिलकर पता करना चाहता था कि रात है इसका रहस्य जल्द ही पता लगाना था। और इन सब बातों ने मेरा दिमाग परेशान कर दिया। इन सब बातों ने मुझे झंझोर दिया था। कौन है ये? नहीं, ये वो लड़की नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, ये वो नहीं हो सकती। ये फोटो पिछले 25 सालों से यहां पर है, ये उस लड़की की फोटो नहीं है। क्या ये तुम्हारी फोटो है? ये उसकी माँ की तस्वीर थी और ये रहस्य मैं जान चुका। अब वो मुझसे बच नहीं सकती। नहीं, ये हो नहीं सकता कि इसकी तस्वीर है। सच्चाई यही है कि ये इसकी माँ की तस्वीर है, क्योंकि इसकी माँ और मैं दोनों बहुत बड़े प्रेमी। हम दोनों ने बिना शादी किए एक ऐसा जीवन व्यतीत किया जिसकी वजह से तुम पैदा हो। इसीलिए ये तुम नहीं, तुम्हारी माँ है। और एक तरीके से देख रहा था, मुझे दो तीन मिनट लग रहा था तो मैं उसका हिंदी डॉब देख रहा हूँ, फिर जो सामने वाला बोल रहा है ऐसे ही बना दिया। लंच के लिए चले नीचे, चौर करें तो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे साथ में। फिर के हाँ मेरे दिमाग में जो समय आया जल्दी जल्दी कुछ लेकर दिया, मतलब इंग्लिश के साथ ही मुझे